Assalamu alaikum students. Let's review the first lecture first. The topics which we have discussed in the first lecture are the following: divisibility, properties of divisibility, division algorithm, GCD and its property, and then the relation we have discussed with the GCD and its linear combination. As we know that we have proved that the GCD is the smallest positive linear combination of two numbers A and B. Today's first topic is least common multiple. The smallest positive integer, which is a multiple of two numbers A and B, is called the least common multiple of A and B, and it is denoted by this bracket. So let's consider the first example, that how we will calculate the GCD of the LCM of 2 and 3. So A is 2 and B is 3. सबसे पहले हमने जितने भी कॉमन मल्टीपल्स हो सकते हैं टू और थ्री के, उनको कैलकुलेट करेंगे जो कि पॉजिटिव हो. सो हमारे पास जो नेचुरल नंबर्स का सेट है, दैट इज वन टू थ्री एंड सो ऑन. अगर हम ए को मल्टीप्लाई करते हैं इन सब एलिमेंट्स के साथ, तो हमारे पास मल्टीपल्स ऑफ ए आ जाएंगे. सो अगर टू फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो फर्स्ट एलिमेंट इज टू, देन इट इज फोर, देन सिक्स, देन नेक्स्ट विल बी टू फोर इज एट, देन नेक्स्ट इज टेन, देन इट इज ट्वेल्व एंड सो ऑन. इन द सेम वे अगर मैं मल्टीपल्स निकालूं बी के, तो वो क्या होंगे. B मेरे पास फिक्स है, B इज थ्री. मैं इसको इस सब से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो फर्स्ट एलिमेंट थ्री वन इज थ्री, थ्री टू इज़ आर सिक्स, थ्री थ्री इज़ आर नाइन, देन थ्री फोर इज़ आर ट्वेल्व, थ्री फाइव इज़ आर फिफ्टीन, थ्री सिक्स आर एटीन एंड सो ऑन. तो मेरे पास ये दो सेट्स आ गए जो कि शो कर रहे हैं मल्टीपल्स A और मल्टीपल्स ऑफ B. अब मैं बनाना चाहता हूँ कि कॉमन मल्टीपल्स क्या होंगे. सो कॉमन मल्टीपल से मुराद के ऐसे नंबर्स जो कि इन दोनों सेट्स में बड़े हों, यानी कि जो मल्टीपल्स हों ए के भी और बी के भी. तो फर्स्ट एलिमेंट जो हमें नज़र आ रहा है सिक्स है, जो कि इधर इन दोनों में पड़ा हुआ है. देन नेक्स्ट एलिमेंट इज ट्वेल्व एंड सो ऑन. तो हम इसको कॉमन मल्टीपल्स का सेट लिखते हैं, फर्स्ट एलिमेंट इज सिक्स, देन ट्वेल्व एंड सो ऑन. अब ये बाकियों के अंदर मैं इसलिए इंटरेस्टेड नहीं हूँ एलिमेंट्स के लिए, क्योंकि जो मेरी डेफिनेशन है, दैट इज इट इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ ए एंड बी. सो कॉमन मल्टीपल्स आ गए, और इनमें से सबसे लीस्ट कौन सा होगा, जो सबसे छोटा एलिमेंट है. सो दिस मीन्स के एल सी एम ऑफ टू एंड थ्री इज सिक्स. और जो नोशन हमने डिफाइन की है इसके लिए, कि ये इसकी नोटेशन होगी, उसके हिसाब से टू और थ्री का जो एलसीएम होगा दैट विल बी सिक्स. अब हम नेक्स्ट डिस्कस करना चाहते हैं कि जो हमने दो नोशंस पढ़ी हैं, ये लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर की, और आज हमने सबसे फर्स्ट देखी डेफिनेशन लीस्ट कॉमन मल्टीपल की. क्या इन दोनों के दरमियान कोई रिलेशन एग्जिस्ट करता है? अगर इनके दरमियान कोई रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा होगा, तो उसकी बेस के ऊपर अगर हमें एक क्वांटिटी का पता लग जाए, यानी कि लेट्स सपोज के मेरे पास दो नंबर्स हैं, उनका जीसीडी का पता लग जाएगा, तो क्या उसकी बेस के ऊपर मैं उनका एलसीएम कैलकुलेट कर सकता हूँ, या वाइस वर्सा. सो हमारे पास जो फर्स्ट रिजल्ट आज के लिए वो ये है कि अगर आपके पास कोई भी दो नंबर्स हैं ए एंड बी, तो आप उसके जीसीडी को मल्टीप्लाई करें और उसके एलसीएम को मल्टीप्लाई करें, तो वो दो नंबर्स की प्रोडक्ट के बराबर होगा. तो मैं इसको लिखता हूँ, ये जो फर्स्ट लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है जी सी डी ऑफ ए एंड बी. सो आपने दो नंबर्स का जी सी डी कैलकुलेट किया, उसको मल्टीप्लाई किया एल सी एम ऑफ ए एंड बी. सो ये एल सी एम है, तो ये आंसर आएगा सिंपली ए इंटू बी के. सो ये जो ऊपर वाली लिखी हुई है, इसका मतलब ये वाली इक्वेशन है कि दो नंबर्स का पहले जीसीडी कैलकुलेट करें, फिर एलसीएम कैलकुलेट करें, तो उनका आंसर इसकी प्रोडक्ट क्या आ जाएगा. तो ये एक इक्वेशन है. अगर आपके पास ए और बी ऑलरेडी गिवन है, तो राइट हैंड साइड तो आपको ऑलरेडी पता होगी,
लेफ्ट हैंड साइड में से अगर आप एक क्वांटिटी भी निकाल लेते हैं, से आपने जीसीडी निकाल ली है, तो उसको इस साइड पे डिवाइड करेंगे तो एलसीएम की वैल्यू आ जाएगी। अगर आप एलसीएम कैलकुलेट कर लेते हैं तो उसको इस साइड पे डिवाइड करेंगे तो जीसीडी की वैल्यू आ जाएगी। सो इसका मतलब है कि रिजल्ट काफी इंपॉर्टेंट है। अगर ये रिलेशन है तो मुझे जीसीडी की बेस के ऊपर दूसरा नंबर यानी कि एलसीएम ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा। लेट्स सी इसका प्रूफ कैसे करेंगे हम। सबसे पहले हम इनको कोई नोटेशन दे लेते हैं। सपोज D is the GCD of A and B, and M is the least common multiple of A and B. तो ये हमारे पास ऑलरेडी गिवन है। D अगर GCD है, if D is the GCD, then D divides A and D divides P, क्योंकि ये इसकी डेफिनेशन है कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर एक कॉमन डिवाइजर में सबसे बड़ा होता है। तो बेसिकली इट इज अ कॉमन डिवाइजर, तो इट मस्ट डिवाइड बोथ नंबर्स A एंड B। दिस मीन्स देयर एग्जिस्ट इंटीजर्स K एंड S विच आर बिलोंग्स टू द सेट ऑफ इंटीजर्स सच दैट A इज इक्वल टू D इंटू K एंड B इज इक्वल टू D into S, or in other words, A by D and B by D are integers. क्योंकि अगर आप A by D कैलकुलेट करेंगे तो इस फर्स्ट इक्वेशन में से D को आप इस साइड पे डिवाइड कर देंगे तो इधर A by D आ जाएगा और इस साइड के ऊपर सिर्फ और सिर्फ K बच जाएगा, और K और S आपने चूज किए हुए इंटीजर्स में से। सो फॉर दिस रीजन मुझे पता है कि ये दोनों इंटीजर्स होंगे। अगर ये दोनों इंटीजर्स हैं तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ। दिस इंप्लाइज दैट डी डिवाइड्स ए एंड बी, यानी कि उनकी प्रोडक्ट को भी डी डिवाइड करेगा। अगर किसी एक नंबर को डी डिवाइड करता है यानी कि ए को करता है, तो उसकी हर मल्टीपल को करेगा, और अगर बी को करता है तो उसके हर मल्टीपल को करेगा। सो इन बोथ केसेस डी शुड डिवाइड्स दिस ए बी। दिस इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर एम which is from the set of integers such that a b is equal to d into m, or I can write in this way that a b over d is equal to m. अब अगर हम इस m को ये प्रूफ कर दें कि ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, तो इस साइड पे ये जीसीडी डी है, ये इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो ए इंटू बी बराबर होगा एम इंटू डी, यानी कि एम बन जाएगा आपके पास लीस्ट कॉमन मल्टीपल और डी आपने ऑलरेडी चूज किया हुआ कि ये जीसीडी है। दिस मीन्स कि अब हम ये प्रूफ करना चाहते हैं So first observation, M is a multiple of A. Why it is true? क्योंकि हमने इसको इस तरीके से लिखा है कि M is equal to A B by D. अगर मैं इसको इस तरीके से लिख लूँ A by D into B, so A by D is an integer, ये मुझे ऑलरेडी पता है। So basically it is an integer multiply by B. So अगर ये इस तरीके से है तो मैं इसको कह सकता हूँ कि M जो है ये B का मल्टीपल है। In the same way I can write as M into A B by D and then B by D into A, क्योंकि D GCD था B का, तो D B को डिवाइड करेगा। अगर B को डिवाइड करेगा तो आंसर एक इंटीजर देगा और साथ A मल्टीप्लाई हो रहा है। सो इन बोथ केसेस M इज अ मल्टीपल ऑफ A एंड ऑल्सो M इज अ मल्टीपल ऑफ B। सो
तो मैं इसको आप इस तरीके से लिख देता हूँ कि m जो है ये मल्टीपल है a का भी और b का भी. दिस मीन्स m इज अ कॉमन मल्टीपल ऑफ a एंड b. सो फर्स्ट टाइम हमने ये कह दिया कि m जो है ये कॉमन मल्टीपल होगा a और b का. अब इसको लीस्ट कॉमन मल्टीपल बनाने के लिए हमें ये प्रूफ करना पड़ेगा कि अगर हम रैंडमली कोई भी दूसरा मल्टीपल लें तो जो हमने ये m चूज किया है ये उससे छोटा होगा. अगर हम ये प्रूफ कर देते हैं तो दिस मीन्स कि जो हमने m चूज किया ये सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है, और अगर ये सबसे छोटा होगा तो बाय डेफिनेशन ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल हो जाएगा. तो अज्यूम कर लेते हैं कोई और, अज्यूम n is any other common multiple of a and b. और अब हम consider करते हैं m और n का relation. तो मैं n by m consider कर लेता हूँ कि ये quantity क्या बनेगी. So n वैसे का वैसे ही आ गया, और m की क्वांटिटी ये है ए बी बाई डी. तो ये मैं m की जगह सब्सिट्यूट कर देता हूँ a इंटू बी बाई डी. अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूंगा तो ये d इधर डोमिनेटर में है, ये मल्टीप्लाई होकर ऊपर चला जाएगा, तो इट इज n इंटू डी ओवर a इंटू बी. मेरे पास ये क्वांटिटी आ गई. नाउ वी नो कि d जो है वो gcd है a और b का, और GCD के मुताबिक हमें पता है कि इट इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी. सो डी इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव लीनियर कॉम्बिनेशन दैट इज कि डी को आप ऐसे लिख सकते हैं ए एस प्लस बी इंटू टी फॉर सम एस एंड टी बिलोंग्स टू इंटीजर्स. तो हम ये d की जो वैल्यू है या d की जो ये प्रॉपर्टी है कि ये लीनियर कॉम्बिनेशन होता है a और b का, इसको इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. सो n इंटू ए एस प्लस बी टी ओवर a और b. अब मैं इस a b को इस प्लस के साथ अलग अलग स्प्लिट कर लेता हूँ, तो इट इज n a s ओवर a b प्लस n b t ओवर a b. कैंसिल होने के बाद जो बाकी टर्म मेरे पास बचेगी दैट इज एस इंटू एन बाय बी और प्लस टी इंटू एन बाय ए. अब एन बाय बी और एन बाय ए के बारे में हम क्या कह सकते हैं. एन हमने चूज किया हुआ है, एन इज एनी अदर कॉमन मल्टीपल ऑफ ए एंड बी. तो एन ए और बी का मल्टीपल है, तो इसका मतलब है कि इट इज ए इंटू समथिंग एंड इट इज बी इंटू समथिंग. तो अगर मैं इसको इस तरीके से लिख लूं तो इट इज एस इंटू से एक्स बी ओवर बी प्लस टी इंटू वाई ए ओवर ए, और फाइनली मेरे पास आ जाएगा एस एक्स प्लस टी वाई. एस एक्स प्लस टी वाई क्या होगा, इट इज एन इंटीजर. वाई क्योंकि बी और ए भी इंटीजर्स थे और आपके पास s और t भी इंटीजर्स थे, तो जब आप दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करेंगे ऐड करेंगे तो आंसर फिर एक इंटीजर आएगा. दिस मीन्स के n बाय m जो था बेसिकली n बाय m इट इज एन इंटीजर. दिस इंप्लाइज m डिवाइड्स n. अगर m डिवाइड करता है n को तो ऑब्वियसली m इज लेस देन और इक्वल टू n, क्योंकि सिर्फ एक छोटा नंबर अपने से बड़े नंबर को डिवाइड कर सकता है, अपने से छोटे नंबर को डिवाइड नहीं कर सकता. तो अगर m n को डिवाइड कर रहा है तो m छोटा होगा n से. m हमारा क्या था, इज द कॉमन मल्टीपल विच वी चोज फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन, और n क्या था, n इज एनी अदर कॉमन मल्टीपल. तो हमारा m जो है जो हमने चूज किया हुआ था ये किसी और कॉमन मल्टीपल से छोटा रहता है. अगर ये हर कॉमन मल्टीपल से छोटा रहता है तो इसका मतलब है कि m इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल. अगर m लीस्ट कॉमन मल्टीपल हो गया तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई a b इज इक्वल टू d इंटू एम, वेयर d इज द gcd
and m is the least common multiple. So which concludes this theorem. Ab let's suppose ke hum kuch examples consider karte hain ki hum is relation ko kis tarike se use kar sakte hain. Say mere paas two numbers hain, a is equal to 14 and b is equal to 22. मैं इंटरेस्टेड हूँ इन दो नंबर्स की जीसीडी के अंदर और इन दो नंबर्स के एलसीएम के अंदर कि इनके एलसीएम और जीसीडी क्या होगा. सो 14 और 22, सो इसकी फैक्टराइजेशन 14 की है 2 × 7 और 22 की है 2 × 11. तो जो कॉमन डिवाइजर सेम आ रहे हैं वो सिर्फ एक ही आ रहा है विच इज़ 2. This means के जी सी डी इज 2. अब हमने ये कैलकुलेट करना है ये क्या होगा. अब मैं फर्स्ट जो लास्ट हमने रिजल्ट किया उसको यूज करता हूँ कि द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू जी सी डी इन टू द एल सी एम. सो ए और बी गिवन है तो मुझे गिवन है 14 मल्टीप्लाई बाय 22. जी सी डी भी आ गया इट इज 2 और इधर मेरे पास ये क्वान्टिटी अननोन है तो मैं इसको सीधा करके लिखता हूँ ए बी इज इक्वल टू 14 मल्टीप्लाई बाय 22 ओवर 2. सो ये आपके पास कैंसिल होकर आ जाएगा 14 मल्टीप्लाई बाय दिस इज 11 और जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 154. इसी तरीके से अगर मुझे ये पहले से पता है कि दो नंबर्स हैं उनका जी सी डी 1 है से ए और बी उनका जी सी डी 1 है तो इस इक्वेशन के अंदर अगर मैं ये क्वांटिटी सब्स्टिट्यूट कर दूं कि ए बी इंटू दिस ए बी सो दिस क्वांटिटी ए बी इज 1 सो ए बी इज इक्वल टू सिंपली ए एंड बी एल सी एम. तो मिसाल के तौर पे जिस तरह हमने 2 और 3 का एल सी एम शुरू में कैलकुलेट किया सो 2 और 3 आपस में रिलेटिवली प्राइम नंबर्स हैं इनका जी सी डी 1 होगा. सो बाय दिस स्मॉल रिमार्क जो इनका एलसीएम होगा वो एग्जैक्टली इन दोनों की प्रोडक्ट होगी. एलसीएम इज 2 × 3 विच इज 6. इसी तरीके से एक और एग्जांपल ले लेते हैं 2 और 11 का एलसीएम क्या होगा. बिकॉज 2 एंड 11 आर रिलेटिवली प्राइम नंबर्स देयर जीसीडी इज 1 दिस मींस के उनका जो एलसीएम होगा वो सिंपली इन दो नंबर्स की प्रोडक्ट होगी दैट इज 22. नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन है कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं. तो ये हम एलिमेंट्री स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं कि प्राइम नंबर वो नंबर है जिसके कोई भी डिवाइजर्स ना हो कोई दूसरा नंबर उसको डिवाइड ना करे एक्सेप्ट 1 एंड इटसेल्फ. सो अ प्राइम नंबर इज एन इंटीजर पी विच इज ग्रेटर देन 1 दैट हैज नो पॉजिटिव डिवाइजर्स अदर देन 1 एंड इटसेल्फ. एन इंटीजर विच इज नॉट प्राइम इज कॉल्ड अ कंपोजिट नंबर. सो या नंबर्स प्राइम होंगे या नंबर्स कंपोजिट होंगे. सो कुछ एग्जाम्पल्स कंसिडर करते हैं. 2 आपके पास एक नंबर है मैं p की वैल्यू 2 रख लेता हूँ तो 2 के डिवाइजर्स कौन से हैं. 2 के डिवाइजर्स 1 एंड 2 हैं. सो अगर इसके डिवाइजर सिर्फ यही दो हों 1 और एक इटसेल्फ तो वो प्राइम होगा. दिस मीन्स p इज इक्वल टू 2 इज अ प्राइम नंबर. अगर मैं p को 4 कंसिडर कर लूँ तो इसके डिवाइजर्स हैं 1, 2 एंड 4. सो एक डिवाइजर एक्स्ट्रा आ रहा है दिस मीन्स के 4 इज not prime this means 4 is composite. In the same way 2, 3, 5, 7, 11 they are prime numbers. And other numbers like 4, 6, 8, 9, 10, 12 they are composite numbers. So next हम क्या करेंगे कि हम देखेंगे कि prime numbers के अंदर क्या क्या characteristics हैं. हम एक number अगर मान लें कि ये prime है तो उसके अंदर क्या क्या properties automatically inherit हो जाती हैं. तो next result हमारा इससे related है जिसको हम कहेंगे कि characterization है prime numbers की कि अगर p एक prime number है और वो product को divide कर रहा है तो ज़रूरी है कि उनमें से किसी एक को भी डिवाइड कर रहा होगा. सो ए बी का मतलब है ए और बी की प्रोडक्ट. सो अगर प्रोडक्ट को डिवाइड कर रहा है तो या उसे ए को डिवाइड करना पड़ेगा या बी को डिवाइड करना पड़ेगा.
तो ये प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर्स के अंदर है, बाकी नंबर्स के अंदर ये प्रॉपर्टी नहीं होगी। तो हम एक साइड पे उसकी एग्जांपल्स कंसीडर कर लेंगे कि किन बाकी नंबर्स में ये प्रॉपर्टी नहीं होती, और प्राइम नंबर्स के लिए प्रूफ लिखते हैं कि प्राइम नंबर्स के अंदर ये प्रॉपर्टी क्यों होती है। तो सपोज पहले करते हैं कि पी इज प्राइम एंड पी डिवाइड्स ए एंड पी। अब P एक प्राइम है तो इसका मतलब है कि इसके अपने अलावा और वन के अलावा कोई डिवाइजर नहीं है, और P डिवाइड करता है A और P को भी, और हम ये प्रूफ करना चाहते हैं कि दोनों में से किसी एक को जरूर डिवाइड करेगा, या P A को डिवाइड करेगा या P B को डिवाइड करेगा। तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि P B को डिवाइड नहीं करता। अगर B को डिवाइड नहीं करता और इससे ये नतीजा निकला है कि P A को डिवाइड करता है, तो इसका मतलब होगा कि दोनों में से किसी एक को जरूर करेगा। अगर एक को नहीं करा तो यकीनी तौर पर दूसरे को करेगा, तो हमारा थ्योरम का प्रूफ कंप्लीट हो जाएगा। अब इसको मान लेते हैं कि अगर P B को डिवाइड नहीं करता तो फिर क्या हमारे पास पॉसिबिलिटीज आ सकती हैं P के अंदर और B के GCD के अंदर। सो P और B का GCD क्वेश्चन है कि अगर ये सिचुएशन हो कि P B को डिवाइड ना कर रहा हो, P एक प्राइम नंबर हो, तो P और B का GCD क्या होगा। अब GCD का मतलब है कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो P के डिवाइजर्स कौन से हैं? डिवाइजर्स ऑफ P, दे आर ओनली वन एंड P। और B के डिवाइजर्स कौन से हैं फिलहाल हमें नहीं पता कि कौन से हैं, लेकिन जब हम GCD निकाल रहे हैं P और B का, तो हम कॉमन डिवाइजर्स देख रहे हैं जो कि P के अंदर भी हों और B के अंदर भी हो। अब हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, टोटल डिवाइजर्स जो P के हैं दो हैं, तो इसका मतलब है कि जो ग्रेटेस्ट होंगे कॉमन डिवाइजर्स में से वो या वन होगा या P होगा, उसके अलावा ऑप्शन ही कोई नहीं है। अगर हम मान लेते हैं कि वो P होगा, GCD अगर इन दोनों का P है तो P को इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि P को भी डिवाइड करना पड़ेगा विच इज ट्रू, और P को B को भी डिवाइड करना पड़ेगा, लेकिन P B को डिवाइड नहीं कर रहा। So as P doesn't divide P, this implies P is not a divisor of B. Hence, P cannot be the common divisor of P and P. तो अगर कॉमन डिवाइजर ही नहीं हो सकता तो ग्रेटेस्ट का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, ग्रेटेस्ट तो बिल्कुल नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि सिर्फ एक ऑप्शन बची, अगर ये अंदर से क्रॉस हो गई तो सिर्फ एक ऑप्शन बची विच इज दिस, कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर जो है वो मैक्सिमम वन हो सकता है। सो दिस मीन्स कि P और B का जो GCD है वो वन है। अब हमने एक रिजल्ट किया था, हम पहले एक रिजल्ट उसको लिख लेते हैं जो हमने लास्ट लेक्चर में किया था, कि इफ ए डिवाइड्स बी एंड सी एंड ए का किसी एक के साथ जीसीडी वन आ जाए, तो ए यकीनी तौर पे दूसरे एलिमेंट को डिवाइड कर रहा होगा। ये हमारा रिजल्ट है जिसका हमने प्रूफ किया था लास्ट टाइम। अब हमारे इसके अंदर भी सिचुएशन कुछ ऐसी बन रही है, ए की जगह पी है और बी सी की जगह ए बी है, पी इन दोनों में से एक के साथ उसका जीसीडी वन हो गया, तो इसका मतलब क्या होगा बाय दिस अबव रिजल्ट कि पी शुड डिवाइड्स ए। तो यही हम प्रूफ करना चाहते थे कि अगर पी दो नंबर्स की प्रोडक्ट को डिवाइड कर रहा है, उनमें से किसी एक को डिवाइड नहीं करता, तो यकीनी तौर पे दूसरे को करेगा, तो हमेशा वो दोनों में से एक नंबर को जरूर डिवाइड करेगा। सो इस आर्गूमेंट के साथ हमारा थ्योरम कंक्लूड होता है। नो, ये तो हमने प्रूफ कर दिया प्राइम नंबर्स के लिए, लेकिन क्या हमारे पास एक काउंटर एग्जांपल है जिसके अंदर बाकी नंबर्स के लिए ये चीज़ ट्रू नहीं है? तो ये बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है। फर्स्ट कंपोजिट नंबर ले लेते हैं, इट इज सिक्स। सिक्स सिक्स को डिवाइड करता है, ऑब्वियस ही बात है, हर नंबर अपने आप को डिवाइड करता है। मैं सिक्स को बजाय सिक्स की फॉर्म में लिखने के इस तरह लिख लेता हूँ टू इंटू थ्री। तो सिक्स जो है दो नंबर्स की प्रोडक्ट को डिवाइड कर रहा है, यानी कि एक नंबर था टू और दूसरा नंबर था थ्री।
तो सिक्स जो है वो टू की थ्री के साथ मल्टीप्लीकेशन जब हो जाती है उसको डिवाइड करता है, लेकिन सिक्स ना टू को डिवाइड करता है ना सिक्स थ्री को डिवाइड करता है, दोनों को नहीं करता। तो इसका मतलब है कि कंपोजिट नंबर के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि अगर वो कंपोजिट दोनों की प्रोडक्ट को कर रहा है तो उन दोनों में से किसी एक को ज़रूर करेगा। तो ये इसकी काउंटर एग्जाम्पल है। लेकिन प्राइम नंबर्स के लिए ये हमेशा ज़रूरी है कि अगर वो प्रोडक्ट को करेंगे तो उनमें से किसी एक को ज़रूर कर रहे होंगे। नेक्स्ट हमारा कंसर्न है जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, नंबर थ्योरी की बेस है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो इसको समझने के लिए पहले एक एग्जांपल कंसिडर करते हैं कि हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से मुराद क्या है। तो मैंने एक नंबर चूज़ किया 36। अब मैं 36 को लिखना चाहता हूँ कि इसके कितने फैक्टर्स टोटल बन सकते हैं, सो दैट के उन फैक्टर्स की जो मल्टीप्लीकेशन है दैट इज़ 36। तो मैं 36 के लिए एक मेरा रफ सा जो गैस होगा वो ये होगा कि इसके जितने भी फैक्टर्स होंगे वो इसको डिवाइड कर रहे होंगे, तो नंबर स्टार्ट हो जाएंगे 1 से, 2 से, अप टू 35 तक। तो मैं स्टेप बाय स्टेप इनको लेके चलना शुरू कर दूंगा। 1 हर एक का डिवाइजर होता है इसलिए मैं इसको कंसिडर नहीं करूंगा, मैं नेक्स्ट स्टार से स्टार्ट होता हूँ 2। सो 2 इसको डिवाइड करता है, दिस मीन्स कि 2 इंटू समथिंग शुड बी 36। सो 2 इंटू 18 इज 36। ये नंबर प्राइम है। मैं नेक्स्ट चलता हूँ 18 को देखता हूँ कि 18 के कौन कौन से डिवाइजर्स हैं, तो 1 से लेके 17 तक लिखूंगा। सो इट इज़ 2, अंदर आपके पास आ गया 2 इंटू 9। सो आपके पास ये आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय 9। ये नंबर प्राइम है, ये नंबर प्राइम है, क्या ये नंबर प्राइम है? नो, 9 इज़ नॉट प्राइम, 9 इज़ मल्टीप्लीकेशन ऑफ 3 इंटू 3। मैं इसको मजीद इधर तक लिख लेता हूँ 3 इंटू 3। अब मैंने 4 फैक्टर्स बनाए जिनकी मल्टीप्लीकेशन से 36 आ रहा है, क्या ये सारे के सारे प्राइम्स हैं? ऑफ कोर्स, जो मेरे पास लिखे हुए हैं ये प्राइम्स हैं। तो अगर मेरा ये प्रोसेस किसी जगह रुक जाएगा, इसका मतलब होगा कि जो नंबर्स अंदर इसके आ रहे हैं उनके मजीद डिवाइजर्स नहीं पड़े हुए। अगर मजीद डिवाइजर्स नहीं पड़े हुए तो ये एग्जैक्टली प्राइम नंबर की डेफिनेशन है कि ये अपने से छोटे किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा, ये अपने से डिवाइड होगा या 1 से होगा, तो वो तो हर नंबर डिवाइड हो रहा होता है और उसके अलावा इसका कोई डिवाइजर नहीं है। अगर होता तो मैं इसको मजीद डिवाइड करता। दिस मीन्स कि ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है। मैंने 36 से स्टार्ट किया और उसको इन 4 नंबर्स की प्रोडक्ट में लिख लिया जो कि चारों के चारों प्राइम थे। मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, 2 स्क्वायर एंड 3 स्क्वायर। सो 36 इज इक्वल टू दिस वन। सो मैंने बेसिकली क्या किया कि अ नंबर एन कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। तो ये मेरी एक एग्जाम्पल थी एन इज इक्वल टू 36 के लिए, कि मैंने 36 के लिए उसे प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में लिख के दिखाया। इस तरीके से अगर आप कोई भी नंबर कंसिडर करें और इसी एल्गोरिथम को फॉलो करें तो फाइनली आप 36 के लिए एक एक ये पैटर्न बना लेंगे, एक डिकम्पोजिशन बना लेंगे सच दैट कि उसके अंदर जितने भी नंबर्स आ रहे होंगे वो सारे के सारे प्राइम्स होंगे। एग्जाम्पल एक और कंसिडर कर लेते हैं, एन इज इक्वल टू से 50। तो 50 के लिए वो क्या है? सो मैं इसको स्टार्ट करूंगा, 2 इसका डिवाइजर है, यस इट इज 25। 25 के डिवाइजर्स देखूंगा कौन से हैं, उसके डिवाइजर्स हैं 5 और 5। तो अब ये जितने भी नंबर्स लिखे हुए हैं ये सारे के सारे प्राइम्स हैं। सो 2 इंटू 5 स्क्वायर। तो ये मेरे पास इसकी 50 की डिकम्पोजिशन आ गई इन टर्म्स ऑफ प्राइम्स। इन जनरल अगर मैं लिखूं इस और इनको तो मेरे पास ये लिखा हुआ है P1 स्क्वायर एंड P2 स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू दिस नंबर, वेयर P1 इज इक्वल टू 2 एंड P2 इज इक्वल टू 3। इधर मेरे पास क्या लिखा हुआ है? P1 एंड P2 स्क्वायर, वेयर P1 इज इक्वल टू 2 एंड P2 इज इक्वल टू 5। सो यहाँ आप 2 लगाएंगे, यहाँ 5 लगाएंगे तो स्क्वायर। इसका मतलब है कि कोई भी नंबर n गिवन हो तो उसको इस तरह प्रोडक्ट ऑफ
प्राइम्स लिखा जा सकता है विद देयर पावर्स. तो इस एक्सप्रेशन का मतलब है डिकम्पोजिशन ऑफ अ नंबर जो भी आपके पास गिवन हो. अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स क्या कहता है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स ये कहता है कि आपके पास कोई भी अगर एक इंटीजर है विच इज ग्रेटर देन वन, तो आप उसको हमेशा प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में लिख सकते हैं. आपके पास इसका प्रूफ होना चाहिए. और अगर आपने एक डिकम्पोजिशन निकाल ली है तो वो डिकम्पोजिशन यूनिक होगी. यानी कि अगर आपके पास ये डिकम्पोजिशन पड़ी हुई है कि एक उसमें प्राइम टू है और एक थ्री है और दोनों के स्क्वायर हैं, तो इसके अलावा आप कोई और डिकम्पोजिशन 36 की नहीं बना सकते. कोई और प्राइम नंबर्स की मल्टीप्लीकेशन से 36 नहीं बन सकता स्क्वायर टू और थ्री के. तो ये बेसिकली फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स है. सो आप इसकी एक दफा स्टेटमेंट देखते हैं कि एवरी इंटीजर एन ग्रेटर देन वन इज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, यानी कि उसको प्राइम्स की प्रोडक्ट में लिखा जा सकता है. एंड द रिप्रेजेंटेशन इन टू प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स इज यूनिक अप टू द ऑर्डर ऑफ फैक्टर्स. सो ऑर्डर ऑफ फैक्टर्स को एक दफा देख लेते हैं किसका क्या मतलब है. एग्जाम्पल लास्ट कंसिडर करते हैं. 36 को मैंने लिखा टू स्क्वेयर एंड थ्री स्क्वेयर. एक दोबारा मैं लिखता हूँ 36 को थ्री स्क्वेयर और टू स्क्वेयर, और कहता हूँ कि अब मैंने एक डिफरेंट डिकम्पोजिशन दे दी 36 की. अपेरेंटली ये डिफरेंट नजर आ रही है. इसके अंदर ये प्राइम थ्री आ रहा है, ये टू से स्टार्ट हो रहा है. लेकिन सिर्फ क्या हुआ है कि मैंने इनके ऑर्डर को चेंज किया है. जो चीज पहले आ रही थी उसको बाद में लिखती है, और जो बाद में आ रही थी उसको पहले लिखती है. तो ये थ्योरम भी कहता है कि इधर तक आप कर सकते हैं, लेकिन इसको करने से डिकम्पोजिशन चेंज नहीं होगी, डिकम्पोजिशन सेम रहेगी. तो हाँ, अगर आप ऑर्डर चेंज कर लेते हैं तो कह सकते हैं कि आपने डिफरेंट तरीके से लिख दिया 36 को, लेकिन बेसिकली जो डिकम्पोजिशन है वो यूनिक रहेगी. अब इसको प्रूफ देखते हैं कि हम प्रूफ कैसे करेंगे. सो हम इस थ्योरम को प्रूफ करते हैं कंट्राडिक्शन मेथड से. सपोज करते हैं देयर एग्जिस्ट इंटीजर्स विच आर नॉट प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, या हम उनको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के अंदर नहीं लिख सकते. ऐसे इंटीजर्स एग्जिस्ट करते हैं. अगर एग्जिस्ट करते हैं तो चूज एम टू बी स्मॉलेस्ट सच इंटीजर. बहुत सारे इंटीजर्स एग्जिस्ट करते होंगे जिनको प्राइम्स की प्रोडक्ट में नहीं लिखा जा सकता, और उन बहुत सारों में से मैंने m को चूज कर लिया. अब m मैं चूज क्यों कर सकता हूँ, इसकी रीजन है वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल. वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल यह था कि अगर आपके पास कोई भी सेट है पॉजिटिव इंटीजर्स का, तो उसका स्मॉलेस्ट एलिमेंट जरूर एग्जिस्ट करेगा. तो मैंने सारे के सारे n जिनको मैं कंसिडर कर रहा हूँ वो ग्रेटर देन वन है. अगर वो इंटीजर्स हैं और वो ग्रेटर देन वन है, तो इसका मतलब है कि वो सारे के सारे पॉजिटिव हैं. मैंने उनमें से कुछ और फर्दर्स चूज किए जिनको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में नहीं लिखा जा सकता, तो इसका मतलब है कि ये जो मेरे पास जो सेट है ये सबसेट होगा पॉजिटिव इंटीजर्स का, और उस सबसेट का सबसे छोटा एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल की वजह से, और मैंने उसका नाम रख लिया कि m इसका स्मॉलेस्ट इंटीजर है ऐसा जिसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स नहीं लिखा जा सकता. इसका मतलब यह है कि अगर आप m से कोई भी छोटा इंटीजर चूज करेंगे तो उसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में लिखा जा सकेगा, क्योंकि अगर आप m से भी छोटा एक इंटीजर चूज कर लेते हैं जिसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में नहीं लिखा जा सकता, तो फिर ये m वो स्मॉलेस्ट नहीं हो सकता था. तो m को स्मॉलेस्ट होने के लिए जरूरी है कि m से जितने छोटे एलिमेंट्स हैं, जितने छोटे इंटीजर्स हैं, वो सारे प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में लिखे जा सकेंगे. अदरवाइज ये m की जो स्मॉलेस्ट है ये कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएगी. तो अब हम पहला ऑब्जर्वेशन देखते हैं कि m इज नॉट अ प्राइम. ये ऑब्वियस है, क्योंकि अगर m एक प्राइम हो जाता, यानी कि इस तरह लिखा होता है m इज इक्वल टू p, तो ये चीज ट्रू हो रही थी. मैं ये अगर m फॉर इंस्टेंस p लिखा हो तो क्या ये मैं कह सकता हूँ कि m जो ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स है? तो आंसर इज यस, m इज अ प्रोडक्ट ऑफ ओनली वन प्राइम. सो अगर m प्राइम हो जाता तो ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स होता.
लेकिन ये मैं कह रहा हूँ कि ये ऐसे इंटीजर्स में पड़ा हुआ है जिनकी आप डिकम्पोजिशन इन टर्म्स ऑफ प्राइम्स नहीं लिख सकते, यानी कि जिनको इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स नहीं लिख सकते, तो इसका मतलब है कि m को प्राइम नहीं होना चाहिए। अगर m प्राइम हो जाएगा तो फिर ये इधर नहीं पड़ा होगा। अगर m प्राइम नहीं है तो इसका मतलब है कि इसके 1 और m के अलावा और डिवाइजर्स भी पड़े हुए हैं। सो देयर एग्जिस्ट अदर डिवाइजर्स of m other than 1 and m, say r divides m. This means there exists integer s belongs to z such that m is equal to r and s, or r or s jo hai wo strictly less honge m se. Ab hum yahan use karte hain m की स्मॉलेस्ट प्रॉपर्टी को, कि m सबसे छोटा ऐसा इंटीजर था जिनको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में नहीं लिखा जा सकता। लेकिन r और s तो उससे भी छोटे हैं, अगर r और s उससे भी छोटे हैं तो इनको यकीनी तौर पे प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में लिखा जा सकता है। दिस मीन्स r एंड s कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। तो हम नोटेशन के अंदर कोई भी चूज कर लेते हैं, r इज इक्वल टू पी वन अल्फा वन अप टू पी टी अल्फा टी, एंड s जो है वो रख लेते हैं डिफरेंट प्राइम्स के साथ, हमें नहीं पता कौन से प्राइम्स हैं, तो इधर q1 रख लेते हैं पावर्स बीटा वन रख लेते हैं अप टू क्यू के बीटा के। सो इसका मतलब है कि r भी प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स है, t प्राइम्स है, उनके ऊपर पावर्स हैं, और एस पी प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स है, जिस तरह ही हमने एग्जाम्पल ली थी 36 की, तो दो प्राइम्स थी और ऊपर उनकी पावर्स थी। पावर्स के मुझे नहीं पता कितने प्राइम्स आएंगे, मुझे नहीं पता, तो इसलिए मैंने उनके लिए इंडिटर्मिनेट रख लिए टी और एस। लेकिन अगर ये आर और एस की वैल्यू हो और एम बराबर हो आर एस के, तो एम की वैल्यू क्या आएगी? एम की वैल्यू आ जाएगी पी वन अल्फा वन से लेके पी टी अल्फा टी और आगे क्यू वन बीटा वन अप टू क्यू के बीटा के। तो ये सारे के सारे प्राइम्स हैं क्योंकि ये प्राइमरी डिकम्पोजिशन में थे आर की और एस की, तो यकीनी तौर पे पी आई भी सारे प्राइम है, क्यू आई भी प्राइम है, ऊपर पावर्स हैं। अगर मैं इस एक्सप्रेशन लास्ट को देखूं तो मैंने क्या किया कि एम को लिख के दिखा दिया प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के अंदर, विच इज अ कॉन्ट्रडिक्शन। एम तो चूज ही ऐसा किया था जिसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में नहीं लिखा जा सकता, इसका मतलब है कि हमारी सपोजिशन रॉन्ग है। सपोजिशन में हमने ये अज्यूम किया था कि ऐसे इंटीजर्स एग्जिस्ट करते हैं जिनको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में नहीं लिखा जा सकता, दिस मीन्स कि ये फॉल्स स्टेटमेंट है। इसका मतलब है कि हर इंटीजर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में लिखा जा सकता है। तो इस अब तक हमने ये फर्स्ट पार्ट जो है ये प्रूव कर दिया कि एवरी इंटीजर इज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। अब हम इसका दूसरा पार्ट प्रूव करते हैं कि अगर एक नंबर की दो रिप्रेजेंटेशन आ जाती है तो उनको यूनिक होना पड़ेगा। सपोज देयर एग्जिस्ट इंटीजर्स विच हैव मोर देन वन डिकम्पोजिशन। हम ये मान लेते हैं कि ऐसे इंटीजर्स पड़े हुए हैं, और फिर वही ट्रिक कि चूज एम टू बी द स्मॉलेस्ट सच इंटीजर, कि हम एम जो है उसको ऐसा सबसे छोटा इंटीजर मान लेते हैं। और किस वजह से? अगेन हमारे पास जो आर्गुमेंट है वो वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल है, कि अगर हम इंटीजर्स पॉजिटिव इंटीजर्स के अंदर से एक सेट चूज कर रहे हैं तो उसका सबसे छोटा एलिमेंट जरूर एग्जिस्ट करेगा, और सबसे छोटा एलिमेंट एम है। इसका मतलब ये होगा कि इस एम से छोटे जितने भी नंबर्स पड़े हुए हैं उनकी डिकम्पोजिशन यूनिक होगी, और एम सबसे छोटा ऐसा है जिसकी एक से ज्यादा डिकम्पोजिशन हो सकती हैं। हम कहते हैं कि एम की दो डिकम्पोजिशन है, से एम हैज टू डिकम्पोजिशन, उनको लिख लेते हैं डिफरेंट तरीके से पी वन
alpha 1 up to ps alpha s, and ME ki ek aur decomposition hai q1 beta 1 up to qt beta t. ये दोनों m की वैल्यूज हैं. अगर ये दोनों m की वैल्यूज हैं तो इनको बराबर होना चाहिए. p1 alpha 1 ps alpha s should be equal to q1 beta 1 up to qt beta t. अब मैं अगर इसके अंदर से इस p1 की जो पावर्स हैं उनमें से एक कम कर लूं तो मैं इसी एक्सप्रेशन को इस तरह लिख सकता हूं p1 into p1 alpha n minus 1, आगे p2 alpha 2 वैसे ही आ जाएगा, and so on ps alpha s आ गया, और इस साइड के ऊपर आपके पास आ जाएगा q1 beta 1 up to qt beta t. So इस अगर आप स्टेटमेंट को देखें, इस इक्वेशन को देखें, तो p1 into something is this number. So इसका मतलब है कि ये नंबर जो है ये p1 का मल्टीपल है. इन अदर वर्ड्स p1 शुड डिवाइड q1 बीटा 1 qt बीटा t. अब ये आपके पास मुख्तलिफ नंबर्स की प्रोडक्ट लिखी हुई है. हमने एक रिजल्ट अभी अप्रूव किया है कि अगर p एक प्राइम नंबर है और दो नंबर्स की प्रोडक्ट को डिवाइड करता है तो इसका मतलब है कि या वो पहले नंबर को डिवाइड करेगा या वो दूसरे नंबर को डिवाइड करेगा. ये आज हमने एक रिजल्ट किया था छोटा सा. अब ये p1 एक प्राइम नंबर है, इधर ये बहुत सारे नंबर्स की प्रोडक्ट है, तो मैं इसको पहले दो की प्रोडक्ट में डिवाइड कर लेता हूँ. q1 एक नंबर और दूसरा नंबर q1 बीटा 1 माइनस 1 से लेके qt बीटा t. अगर इन दोनों को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब है कि p1 या q1 को डिवाइड करेगा या p1 डिवाइड करेगा q1 बीटा 1 माइनस 1 से लेके qt बीटा t तक. अगर तो ये चीज ट्रू हो जाती है कि p1 डिवाइड कर रहा है q1 को तो हम इधर ही स्टक कर लेंगे, क्योंकि बेसिकली हम ये चाह रहे हैं कि p1 इन में से किसी एक को जरूर डिवाइड करेगा. तो अगर वो एक हमें शुरू में मिल जाता तो ठीक है, अगर इसको नहीं डिवाइड करता तो फिर ये चीज ट्रू होनी चाहिए कि p1 जो है वो इसको डिवाइड करेगा. फिर हम नेक्स्ट फर्दर करेंगे कि p1 डिवाइड करेगा q1, एक और कॉमन निकाल लिया, अंदर बचा q1 बीटा 1 माइनस 2 से लेके qt बीटा t तक. फिर दोबारा यही वाला रिजल्ट यूज कर सकते हैं कि अगर प्राइम दो नंबर्स को डिवाइड करता है तो यकीनी तौर पर उनमें से किसी एक को जरूर डिवाइड करेगा. तो अब ये एक है नंबर और ये दूसरा नंबर है, अगर प्राइम नंबर है p1 वो इन दोनों को डिवाइड कर रहा है तो दोनों में से किसी एक को जरूर डिवाइड करेगा. अगेन इसका मतलब ये होगा कि या p1 डिवाइड करेगा q1 को या p1 डिवाइड करेगा q1 बीटा 1 माइनस 2 अप टू qt बीटा t को. तो अगर ये p1 डिवाइड कर देता है q1 को तो ठीक है, अदरवाइज p1 जो है वो डिवाइड करेगा q1 बीटा 1 माइनस 2 से लेके qt बीटा t तक, और ये प्रोसेस इस तरीके से चलता रहेगा. तो फाइनली हमारे पास p1 डिवाइड कर रहा होगा qt को. तो अगर उसे पहले किसी जगह रुक जाता है तो हमें एक प्राइम मिल जाएगा जो कि दूसरे प्राइम को डिवाइड कर रहा है, और अगर ये प्रोसेस चलता रहता है तो फाइनली ये qt बचेगा, क्योंकि बीटा 1 की जब पावर्स कम होनी शुरू हो जाएंगी तो एक वक्त ये आएगा कि ये जो पावर्स कम कर रहे हैं ये बीटा 1 तक पहुंच जाएंगी. जब ये बीटा 1 तक पहुंच जाएंगी तो q1 की पावर 0 हो जाएगी, वो खत्म हो जाएगा. इस तरह q2 की पावर 0 होगी, एंड सो ऑन ये चलता जाएगा यहां तक कि qt की पावर कम करते जाएंगे यहां तक के दो हिस्सों में उसे डिवाइड करना है. तो एक दफा qt लिखा होगा और दूसरी दफा भी qt लिखा होगा. तो हमारे पास p1 डिवाइड कर रहा होगा qt को या p1 डिवाइड कर रहा होगा qt को, which includes के p1 डिवाइड करेगा qt को. अब qt, let's suppose अगर ऐसा होता है तो qt is a prime number, क्योंकि दोनों साइडों के ऊपर हमारे पास प्राइम थे, p1 भी प्राइम है.
क्यू टी अगर प्राइम नंबर है तो उसके कितने डिवाइजर्स होंगे? उसके साथ दो डिवाइजर्स हो सकते हैं, एक इटसेल्फ और एक वन. लेकिन हम ये क्लेम कर रहे हैं कि पी वन भी डिवाइड कर रहा है इसको. पी वन वन नहीं है, तो एक ही ऑप्शन बची कि पी वन जो है वो क्यू टी हो जाए. तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो इस साइड पर डिकम्पोजिशन लिखी हुई थी पी वन एल्फा वन से लेके पी एस एल्फा एस, और दूसरी साइड पर जो डिकम्पोजिशन लिखी हुई थी क्यू वन बीटा वन से लेके क्यू टी बीटा टी तक, इनके अंदर से इसमें से और इसमें से एटलीस्ट दो प्राइम्स एक जैसे हैं. मैं इधर से पी वन और इधर से क्यू टी में से किसी एक दोनों को उसी एक प्राइम से डिवाइड कर देता हूँ, तो मेरे पास बचेगा एम बाय पी वन. इस साइड पे बचेगा पी वन एल्फा वन माइनस वन अप टू पी एस एल्फा एस, उसमें से एक पावर कम हो जाएगी. और इस साइड से डिवाइड करूंगा तो एम ओवर पी वन, पी वन बराबर है क्यू टी के, तो एम ओवर क्यू टी. इस साइड पे बचेगा क्यू वन बीटा वन अप टू क्यू टी बीटा टी माइनस वन. एम बाय पी वन जो है ये एक नंबर है जो कि लेस देन है एम, और ये मैंने आपको इसकी दो डिफरेंट डिकम्पोजिशंस लिख के दिखा दी. तो अब मैंने एक नंबर निकाल लिया जो कि स्ट्रिक्टली लेस देन एम है और उसकी भी दो डिफरेंट डिकम्पोजिशंस पड़ी हुई है. दिस इज अ कॉन्ट्रडिक्शन. टू द मिनिमैलिटी ऑफ एम, क्योंकि हमने कहा था कि एम ऐसा सबसे छोटा इंटीजर है जिसकी दो डिफरेंट डिकम्पोजिशंस पड़ी हुई है. इसका मतलब है कि अगर इससे छोटा कोई पड़ा हुआ है तो उसकी दो नहीं हो सकती. लेकिन अब मैं एक नंबर बना रहा हूं एम बाय पी वन जो कि एम से छोटा होगा, यानी कि उसके अंदर से एक फैक्टर को मैंने कम कर दिया तो ऑटोमेटिकली वो एम से कम आ जाएगा, और उसकी दो डिफरेंट डिकम्पोजिशंस पड़ी हुई है, एक ये लिखी हुई है और एक ये लिखी हुई है. ये एक कॉन्ट्रडिक्शन है. इसका मतलब है कि जो हमने सपोज किया था वो गलत है. और हमने सपोज ये किया था कि ऐसे इंटीजर्स एग्जिस्ट करते हैं जिनकी दो या दो से ज्यादा डिकम्पोजिशंस पड़ी हुई है. इसका मतलब है कि ऐसा कोई इंटीजर एग्जिस्ट नहीं करता जिसकी दो या दो से ज्यादा डिकम्पोजिशंस पड़ी हुई है, यानी कि हर इंटीजर की सिर्फ एक ही प्राइमरी डिकम्पोजिशन पड़ी हुई है. सो दिस इंप्लाइज एवरी इंटीजर एन ग्रेटर देन वन हैज ओनली वन डिकम्पोजिशन विच इज बेसिकली प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर. और जो हमने कहा था ऑर्डर, तो उसे में कोई फर्क नहीं पड़ता. अगर आप ऑर्डर चेंज कर लें तो वो हमारी डिकम्पोजिशन को चेंज नहीं करेगा. सो ये सारे आर्गूमेंट्स कंक्लूड करते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स को, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट थ्योरम है हमारे इस कोर्स का जो कि बेस बनेगा सारे रिजल्ट्स की. नेक्स्ट हमारा कंसर्न ये है कि हमने प्राइम नंबर्स को देखा कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, उनकी डेफिनेशन क्लियर है, और फिर हमने कहा कि ये बेसिकली बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं सारे के सारे इंटीजर्स के. बिल्डिंग ब्लॉक्स इन द सेंस कि ये लाइक एटम्स हैं कि हर नंबर इनकी प्रोडक्ट में पड़ा होगा, और ये आप फर्दर खुद किसी की प्रोडक्ट में नहीं पड़े होंगे. सो टू किसी की प्रोडक्ट में नहीं पड़ा हुआ, थ्री किसी की प्रोडक्ट में नहीं पड़ा हुआ, फाइव किसी की प्रोडक्ट में नहीं पड़ा हुआ, लेकिन सिक्स जो कि प्राइम नहीं है वो टू इंटू थ्री यानी टू और थ्री की प्रोडक्ट में पड़ा हुआ है. तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि प्राइम्स आर मोर लाइक एटम्स ऑफ द नंबर्स. अब सिंपल सा क्वेश्चन आता है नेचुरल सा कि ये जो हमारे पास एटम्स हैं इनकी तादाद कितनी है. हमारे पास नेचुरल नंबर्स कितने हैं? इनफाइनाइट मैनी. और जिनकी बेस के ऊपर हम इन नंबर्स को लिख रहे हैं वो कितने हैं? क्या वो भी इनफाइनाइट मैनी है, या हो सकता है कि वो फाइनाइट मैनी हो? तो ये थ्योरम बड़ा पुराना है और यूक्लिड ने इसको प्रूफ किया था कि असल में देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइट मैनी प्राइम्स, यानी कि अगर आप सेट बनाएं प्राइम नंबर्स का तो वो इनफाइनाइट होगा, उसके अंदर कभी भी प्राइम नंबर्स रुकेंगे नहीं किसी जगह के ऊपर जाके. सो लेट्स सी कि इसका प्रूफ कैसे करते हैं. हम सपोज कर लेते हैं
कि देयर एग्जिस्ट ओनली फाइनाइट मैनी प्राइम्स, सिर्फ और सिर्फ जो है गिने हुए प्राइम्स पड़े हुए हैं जो कि टोटल है, इससे ज्यादा प्राइम्स नहीं पड़े हुए। यानी कि हमने इस स्टेटमेंट की कॉन्ट्राडिक्शन जो है उसको अज्यूम कर लिया, जो इस स्टेटमेंट की निगेशन है उसको अज्यूम कर लिया। सो हम कहते हैं कि से P1 P2 से लेके PN आर ऑल प्राइम नंबर्स, जितने भी प्राइम्स हो सकते थे वो सारे के सारे लिख लिए 1 से लेके n तक, और n की कोई भी वैल्यू हो सकती है। लेकिन जब भी आप n की वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे, दिस मीन्स कि आपके पास टोटल जो है फाइनाइट मेनी प्राइम्स हैं जिनको आप काउंट कर सकते हैं। अब आप एक नंबर कंसिडर करें m, आपने p1 को मल्टीप्लाई करें p2 के साथ, फिर जो नेक्स्ट प्राइम है उसके साथ मल्टीप्लाई करें, अब ये मल्टीप्लीकेशन चल रही है, उसके अगले प्राइम से मल्टीप्लाई करें, करते जाएं यहां तक कि आप pn पे चले जाएं। तो जितने प्राइम्स आपने मान लिए हैं कि फाइनाइट मनी पड़े हुए हैं उन सब को आपस में मल्टीप्लाई करा दें और उसके बाद उसमें 1 ऐड कर लें। तो pi's सारे के सारे pi's आर प्राइम्स, अगर ये प्राइम्स हैं तो इनकी प्रोडक्ट एक नंबर बनेगा, प्लस 1 करेंगे तो एक और नंबर बन जाएगा। तो m बेसिकली इज एन इंटीजर। अगर m इंटीजर है तो बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, जो कि अभी हमने प्रूफ किया है, m कैन बी रिटन एस प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। m को भी डिफरेंट प्राइम्स की प्रोडक्ट में लिखा जा सकता है। और आपने ये भी अज्यूम किया हुआ है कि जितने भी प्राइम्स हो सकते हैं वो सारे के सारे यही हैं, इसके अलावा कोई प्राइम नहीं हो सकता। इसका मतलब ये हुआ कि m इन्हीं प्राइम्स की प्रोडक्ट होगी, इसका नाम अल्फा 1 रख लें, इसका अल्फा 2 रख लें और pn अल्फा n रख लें। तो जो जो प्राइम्स इसकी डिकम्पोजिशन में आ रहे होंगे उनके ऊपर अल्फा 1 की वैल्यू पॉजिटिव होगी, और जो प्राइम नहीं आ रहा होगा उसमें अल्फा 1 की वैल्यू 0 होगी। सो अगर आप प्राइम की पावर 0 लगा दें तो समथिंग रेस्ट पर 0 इज 1, वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा और इधर बचेगा 1। 1 की प्रोडक्ट कोई फर्क नहीं डालती। इसका मतलब ये है कि इन जनरल आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि अगर आपके पास m एक नंबर था और टोटल प्राइम्स यही थे सारे के सारे, तो वो इन्हीं की प्रोडक्ट में होगा, इसके अलावा नहीं हो सकता था। अब इसको अगर हम मान लें कि ये इसकी सारी की सारी प्रोडक्ट है, तो P1 डिवाइड करेगा m को ऑब्वियसली, क्योंकि ये इसकी प्रोडक्ट में पड़ा हुआ है, और P1 अपनी मल्टीपल्स को भी डिवाइड करेगा। सो इस साइड के ऊपर मैंने लिखे हुए हैं इसके मल्टीपल्स। P1 क्या P1 को डिवाइड करेगा? फॉर श्योर, क्योंकि हर नंबर अपने आप को डिवाइड करता है। अब अगर हर नंबर अपने आप को डिवाइड करता है तो उसके साथ अगर कोई और चीज मल्टीप्लाई कर भी दी जाए तो क्या डिविजिबिलिटी को कोई फर्क पड़ेगा? आंसर इज नो। इफ ए डिवाइड्स बी, देन ए डिवाइड्स एवरी मल्टीपल ऑफ बी। ये हमारा सबसे फर्स्ट लेक्चर का फर्स्ट रिजल्ट था छोटा सा डिविजिबिलिटी की बेस पे। तो अगर P1 डिवाइड करता P1 को तो P1 के हर मल्टीपल को भी डिवाइड करेगा, तो ये P1 का मल्टीपल लिखा हुआ है। अब ये दो चीजें आपके पास आ गई हैं कि P1 जो है वो m को डिवाइड कर रहा है और P1 जो है वो इसको डिवाइड कर रहा है। इन दोनों को कंबाइन करके देखते हैं कि हमारे पास क्या आता है। सो इसको दोबारा एक दफा लिख लेते हैं कि P1 जो है वो डिवाइड कर रहा है m को, क्योंकि m जो था एक नंबर था जिसकी प्राइमरी डिकम्पोजिशन में P1 पड़ा हुआ है, तो ऑफकोर्स उसको डिवाइड करेगा। और m की वैल्यू क्या है? वो है P1 P2 से लेके PN प्लस 1। और दूसरी साइड पे आप ये कह रहे हैं कि P1 डिवाइड कर रहा है P1 P2 से लेके PN को, यानी के जो कि P1 का मल्टीपल है। मैं इन दोनों क्वांटिटीज के नाम रख लेता हूं, से P1 A को डिवाइड करता है और P1 B को डिवाइड करता है। A बराबर है
P1, P2 से लेके PN plus 1 के और B बराबर है P1, P2 से लेके PN के. सो ये मेरे पास A है और ये मेरे पास P है. सो P1 जो है वो A को भी डिवाइड कर रहा है और P1 B को भी डिवाइड कर रहा है. अगर A की नंबर दो डिफरेंट नंबर्स को डिवाइड कर रहा हो देन P1 शुड ऑल्सो डिवाइड एवरी पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू नंबर्स. ये ऑब्वियस है. अब मैं एक लीनियर कॉम्बिनेशन बनाता हूँ इसका. S को चूज करता हूँ 1 एंड T को चूज करता हूँ -1 इंटीजर्स में से, क्योंकि फॉर एवरी वैल्यू ऑफ S एंड T P1 शुड डिवाइड द लीनियर कॉम्बिनेशन. तो मैंने अपनी मर्जी से S1 चूज कर लिया और T -1 चूज कर लिया. अब देखता हूँ कि ये लीनियर कॉम्बिनेशन क्या बनता है. AS प्लस TB इज इक्वल टू A की वैल्यू लगाई P1 P2 PN प्लस 1, ये A की वैल्यू आ गई. इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है S इज 1 और फिर मैंने लगाई T की वैल्यू विच इज -1 और साथ लगा दी B. सो B इज P1 P2 अप टू PN. सो जब मैंने इसको क्लियर किया तो इधर 1 मल्टीप्लाई होकर कोई फर्क नहीं पड़ा, P1 P2 PN प्लस 1 ही आ गया और इधर माइनस है तो माइनस ऑफ P1 P2 अप टू PN आ गया. ये पूरी की पूरी क्वांटिटी एक दफा प्लस में लिखी हुई एक दफा माइनस में, ये कैंसिल आउट हो जाएगी. आंसर बचा 1. इसका मतलब है कि P1 जो है वो डिवाइड करेगा 1 को. P1 एक प्राइम नंबर था. सो अ प्राइम नंबर इज ग्रेटर देन 1, ये इसकी डेफिनेशन है. सो अगर ये प्राइम नंबर है तो ग्रेटर देन 1 होगा, और अगर ये ग्रेटर देन 1 है तो कोई भी नंबर जो ग्रेटर देन 1 हो 1 को कभी डिवाइड नहीं कर सकता, क्योंकि 1 को सिर्फ 1 ही डिवाइड कर सकता है. इसका मतलब है कि ये कॉन्ट्रडिक्शन है. आपकी जो सपोजिशन थी वो रॉन्ग थी. सपोजिशन आपकी ये थी कि देयर एग्जिस्ट फाइनाइट मैनी प्राइम्स. इफ दिस इज रॉन्ग दिस इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट इनफिनिट मैनी प्राइम नंबर्स. आज हम कुछ एक्सरसाइजेस देखते हैं जो हमने कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं उनकी बेस के ऊपर. सो आज के लिए जो फर्स्ट एक्सरसाइज है डस देयर एग्जिस्ट टू नंबर्स A एंड B सच दैट GCD ऑफ A B इज इक्वल टू 7 एंड A प्लस B इज इक्वल टू 500. सो पहले तो एक दफा इसको देखते हैं कि हम ये क्लेम कर रहे हैं कि क्या ऐसा मुमकिन है कि दो नंबर्स एग्जिस्ट करते हों ऐसे A और B सच दैट कि आप उनका GCD कैलकुलेट करें तो वो 7 आए और उनको जब सम करें तो वो 500 बन रहा हो. अब बहुत सारे नंबर आप बना सकते हैं जिनका GCD 7 हो. मिसाल के तौर पे आप चूज कर लेते हैं 21 एंड 14. तो 21 और 14 का GCD 7 है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर इज 7. 21 और 14 को ऐड करें तो आंसर आएगा 35. सो मुझे अब क्या चाहिए, दो नंबर चाहिए जिनका GCD भी 7 हो और जिनको सम करने से 500 आ जाए. सो अब देखें कि डिविजिबिलिटी की बेस के ऊपर हम इस क्वेश्चन को आंसर कैसे करते हैं. अज्यूम ए और बी का GCD 7 है. 7 अगर GCD है तो 7 शुड डिवाइड ए एंड 7 शुड डिवाइड बी. 7 ए को भी डिवाइड करेगा और बी को भी डिवाइड करेगा. अगर एक नंबर दो नंबर्स को डिवाइड करता है तो इसका मतलब है कि 7 शुड डिवाइड एवरी पॉसिबल लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू नंबर्स ए एंड बी. मैं अपनी मर्जी से, क्योंकि मैंने ए प्लस बी के अंदर इंटरेस्टेड हूँ, तो मैं चूज करता हूँ एस को 1 एंड टी को भी 1. तो ये ऊपर वाली चीज बन जाएगी. दिस इंप्लाइज 7 डिवाइड्स ए प्लस बी, क्योंकि इधर एस की वैल्यू 1 आ गई तो ए आ गया.
देन आपके पास इसकी वैल्यू 1 आ गई तो बी आ गया, तो 7 शुड डिवाइड ए प्लस बी. ए प्लस बी आपके पास गिवन है 500 होना चाहिए. दिस इम्प्लाइज 7 शुड डिवाइड 500. क्या 7 500 को डिवाइड करता है? 7 7 इज 49, 1 7 1 इज 7, 3 रिमाइंडर आ रहा है, नहीं करता. दिस मीन्स के देयर डज नॉट एग्जिस्ट सच नंबर्स ए एंड बी. सो एक तरीका ये हो सकता था कि हम इसको हिट एंड ट्रायल मेथड से करते रहते, ए और बी की डिफरेंट वैल्यूज लेते रहते जिनका जी सी डी 7 आ रहा, फिर देखते ऐड करके कि क्या 500 बन रहा है या नहीं बन रहा, और फिर भी अगर हम कर लेते तो शायद हमारे पास एक क्लियर कट आर्गूमेंट ना होता. सो ये बड़ा क्लियर सा आर्गूमेंट है कि अगर हम इन सपोजिशंस को मान लें और जी सी डी की प्रॉपर्टीज और जो हमने रिजल्ट्स प्रूव किए हुए लीनियर कॉम्बिनेशन उनको यूज करें तो हमें पता लगता है कि ऐसे नंबर एग्जिस्ट नहीं करते विद इन 2 or 3 लाइन्स. तो ये पावर एंड रिजल्ट्स की जो हमने की है. एक और आज एक्सरसाइज करते हैं, आज एक और एक्सरसाइज करते हैं. सो एक्सरसाइज 'So पहले हमने इसको इस तरीके से कंसिडर करते हैं और फिर हम इसको एक डिफरेंट अंदाज से देखते हैं इसी एक्सरसाइज को. ये जिस तरीके से लिखी हुई है n फैक्टोरियल, आपको पता है कि 1 से लेके n की प्रोडक्ट है. सो n फैक्टोरियल प्लस 2, n फैक्टोरियल प्लस 3, n फैक्टोरियल प्लस 4, सो ऑन n फैक्टोरियल प्लस n, ये लिखे हुए. और मैं ये शो करना चाहता हूँ कि ये सारे के सारे जो नंबर्स हैं ये कंपोजिट है, ये प्राइम नहीं है. सो मैं पहले नंबर को लिखता हूँ n फैक्टोरियल प्लस 2. n factorial is what? It is 2 multiplied by 3 multiplied by 4 up to multiplication by n and plus 2. So, अगर मैं इसको के अंदर से 2 को कॉमन ले लूं तो बाकी क्या बचेगा? 3 multiplied by 4 multiplied by n and plus 1. So, एक ये नंबर है और एक ये नंबर है, ये दो डिफरेंट नंबर्स हैं. इसका मतलब है कि n प्लस 2 हैज डिवाइजर्स विच आर अदर देन 1 एंड इटसेल्फ. इसका 2 डिवाइजर आ रहा है. अगर मैं नेक्स्ट नंबर कंसिडर करूंगा n फैक्टोरियल प्लस 3, तो फिर दोबारा लिखूंगा 2 3 4 अप टू n प्लस 3. अब मैं इस दफा इसमें से 3 निकाल देता हूँ तो बचेगा 2, 4 से लेके n और इस साइड के ऊपर 1, तो फिर दो नंबर्स आ गए. सो दैट कि आप यहाँ तक चलते जाएंगे और हर दफा आपके पास एक नंबर आता जाएगा n तक. इसका मतलब है कि ये सारे के सारे नंबर्स कंपोजिट हैं. तो ये आर्गुमेंट बड़ा सिंपल सा था. इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि n फैक्टोरियल प्लस 2 का नेक्स्ट इंटीजर क्या होगा? इट इज n फैक्टोरियल प्लस 2 प्लस 1 which is n factorial plus 3. इससे नेक्स्ट क्या होगा? एक ऐड कर दें, n factorial plus 4. इससे नेक्स्ट क्या होगा? n factorial plus 5. And last is n factorial plus n. तो ये इसका मतलब है कि जितने आपके पास इंटीजर्स लिखे हुए हैं ये कंसेक्टिव इंटीजर्स हैं. अगर ये कंजेक्टिव इंटीजर्स हैं तो इसका मतलब है कि n की अगर आप आर्बिट्रेरी वैल्यू लगाएं तो अपनी मर्जी से आप लेंथ सेट कर सकते हैं कंजेक्टिव इंटीजर्स की जिनके अंदर कोई भी नंबर प्राइम नहीं होगा. जैसे मिसाल के तौर पे आप n की वैल्यू फिक्स करते हैं 3, तो ये आपके पास नंबर क्या बनेगा? 3 फैक्टोरियल प्लस 2, नेक्स्ट इज 3 फैक्टोरियल प्लस 3. तो ये दो नंबर ऐसे हैं जो कि कंजेक्टिव हैं और दोनों प्राइम नहीं है. आप n की वैल्यू 5 चूज करते हैं तो आप 5 फैक्टोरियल प्लस 2, 5 फैक्टोरियल प्लस 3, 5
5 factorial plus 4 and 5 factorial plus 5. ये वो numbers हैं, consecutive हैं चार और इनमें से कोई भी prime नहीं है. तो इस तरीके से हम इसको इस तरीके से भी mention कर सकते हैं कि there exists a chain of consecutive numbers such that no number in that chain is prime. In other words, all are composite numbers. तो इसके साथ ही हम आज का लेक्चर कंक्लूड करते हैं. सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने जो चीज़ें पढ़ी हैं, सबसे पहले हमने स्टार्ट किया एक नई नोशन के साथ, विच इज़ LCM, द लीस्ट कॉमन मल्टीपल. और फिर हमने एक रिजल्ट किया जिसने रिलेशन डेवलप किया GCD के दरमियान और LCM के दरमियान, कि अगर आप LCM और GCD को मल्टीप्लाई कर दें तो वो प्रोडक्ट बन जाती है दो नंबर्स की. फिर हमने प्राइम नंबर्स को पढ़ा, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है, सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और उसकी बेस के ऊपर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स, कि ये प्राइम नंबर्स जो हैं ये बेसिकली एटम्स हैं नंबर्स के, कि आप हर नंबर को इनकी प्रोडक्ट में लिख सकते हैं. और फिर हमने ये क्वेश्चन देखा कि प्राइम्स जो हैं वो कितने एग्जिस्ट करते हैं. सो हमने प्रूफ ये किया कि देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइट मैनी और उसके साथ फिर हमने आज कुछ एक्सरसाइज देखी सो दैट के जो हमने रिजल्ट्स किए हैं, जो टूल्स हमने डेवलप किए हैं, उनकी बेस के ऊपर हम किस तरीके से उनको यूज़ कर सकते हैं. थैंक यू वेरी मच.